नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा RCI की न्यू अपडेट को लेकर के, यानी कि RCI की जो नई न्यूज़ आई है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, उस पर बात करेंगे DED स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों, सिलेबस में किया जाएगा बदलाव, और किन अभ्यर्थियों के सिलेबस में किया जाएगा बदलाव, यानी कि जो आपका बैच था 2020-21 उसमें बदलाव किया जाएगा, जो 2021-22 का बैच है इसमें बदलाव किया जाएगा। दोस्तों, किसमें इन बदलावों को किया जाएगा और क्या प्रभाव पड़ेगा इन बैचेस पर। साथ ही साथ चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए। दोस्तों, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं RCI के नोटिस पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक संविधिक निकाय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। बात करते हैं क्या कुछ आया है बदलाव। इतना भारी भरकम जो आपका ये सर्कुलर दिया हुआ है, केवल जो हम मेन पॉइंट से उनको ही पढ़ेंगे, उन पर ही बात करेंगे। जितने भी आपके डिप्लोमा लेवल कोर्सेज चलते थे DED स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत, चाहे वह आपका VI हो, चाहे वह आपका HI हो, चाहे वह आपका ID हो, तो दोस्तों क्या किया गया है, इसके जो सिलेबस हैं इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट किया गया है, यानी कि जो न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इनको लॉन्च किया गया। कहने का तात्पर्य यह है, और VI तो जैसा VI था वैसा ही है, HI भी वैसा ही है, इनके जो सिलेबस हैं थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट आएगा, और जो मेन चेंजमेंट आएगा वो IDD के अंतर्गत आएगा। यानी कि IDD क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जिसको पहले हम बोलते थे दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन, इसका नाम चेंज किया गया, इसका बोला गया ID, यानी कि बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब देन उसको फिर से नाम चेंज करके इसको क्या कर दिया गया, IDD, यानी कि इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। दोस्तों, यह क्यों किया गया, आप सभी को पता है कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम होना चाहिए अप टू डेट, यानी कि उसमें बदलाव होते रहने चाहिए, समय के अनुसार बदलाव बहुत जरूरी है। तो इसका परिवर्तन किया गया, यहां पर आपके थोड़े थोड़े सिलेबस भी आपको चेंज मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या 2020-21 के भी चेंज होंगे या केवल और केवल 2021-22 के चेंज होंगे, तो यहां पर जो आपके लिए दिया गया है, चौथा पॉइंट आपके लिए यहां पर दिया गया है कि DED स्पेशल एजुकेशन VI, DED स्पेशल एजुकेशन HI, DED स्पेशल एजुकेशन ID और ASD, जो ये अभ्यर्थी हैं, जो 2021 के अभ्यर्थी हैं, ध्यान दीजिएगा, जो 2021 के अभ्यर्थी हैं, 2020-21 के, इनका जो सिलेबस है इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों, बदलाव किसके में होगा, बदलाव किन अभ्यर्थियों के में होगा, 2020-21 के अभ्यर्थी जिनका एडमिशन हो चुका है, जिनके पेपर्स नवंबर में लगभग होंगे, तो दोस्तों इनका कोई भी बदलाव नहीं होगा सिलेबस में इस साल। आगे बात करते हैं, बदलाव होगा जो नए एडमिशन्स होंगे 2021-22 के, जो नए एडमिशन्स होंगे 2021-22 के, दोस्तों इनका बदलाव होगा। और अब जो है आपका VI रहेगा, HI रहेगा, और जो ID था वह हो जाएगा IDD, यानी कि इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। जब आपका फॉर्म आएगा तो वहाँ पर आपको, अगर आप बौद्धिक अक्षमता से करना चाहते थे, ID से करना चाहते थे, तो वहाँ पर IDD हो जाएगा। जो आपका नया बदलाव है वो इस प्रकार से होगा। तो एक बात आप लोगों ने समझ ली, जो पिछले अभ्यर्थी थे उनके जो सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, उनका किसी भी प्रकार का जो कोर्स है उसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नया एडमिशन लेंगे 2021-22 के जो अभ्यर्थी हैं, इनके जो सिलेबस हैं, इनका जो कोर्स का नाम है, वो थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है, और इस इतने बड़े नोटिस में और कुछ भी नहीं कहा गया है। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए, जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस निकल के आता है, एडमिशन की जानकारी निकल के आती है, हम आपसे के साथ जरूर शेयर करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में, मिलता हूँ दोस्तों।
नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में, सभी को जानकारी मिल सके, कोई भी अभ्यर्थी जानकारी से वंचित ना रहे। धन्यवाद।